फैमिली गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे आप सब। स्वागत है हमारे चैनल में, मैं हूँ देव। आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, ऐसे ही उम्मीद करता हूँ, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नए नए सजेशन हमें दीजिए। हमारे 3000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आप लोगों के हैवी डिमांड पे मैं आज कोमल के साथ चीटिंग प्रैंक करने वाला हूँ। जो आप लोगों की तरफ से डिमांड आई थी, सो मैं यहाँ पुणे से बात करने वाला हूँ छुपके। ऐसा मैं प्रिटेंड करूँगा, ऐसा दिखाऊँगा कि मैं छुपके बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और इस वीडियो को 10K लाइक तक पहुँचाएँगे, ठीक है। सो मैं ना ही कोमल को कॉल करने वाला हूँ, वो अंदर बेडरूम में ही बेडरूम सेट कर रही है, ना ही मैं उसको बुलाने वाला हूँ ताकि उसको कोई शक हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो चलो देखते हैं वो क्या कर रही है। शायद बेडरूम में गई है, बेडरूम सेट कर रही है, चलो देखते हैं। मैं सेट कर देता हूँ कैमरा। अभी वो आ रही है, आ रही है। हेलो, हाँ दीदी, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक हो? अरे यार, बहुत बहुत मिस करता हूँ यार तुमको, बहुत बहुत ज़्यादा। और सब कैसे, ठीक? मेरा फर्स्ट क्लास चल रहा है, सब ठीक है। मिलते हैं, हाँ जहाँ बोलो वहाँ मिलते हैं ना। कहाँ मिलेगा प्लान है? वही अपनी मीटिंग पॉइंट पे, काला कट्टा के साथ। डन, मिलते हैं। लेकिन मैंने जो ड्रेस दी है वो ड्रेस पहन के आना, उसमें काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लगती है। पक्का? कोमल को छोड़ो, वो गाय है, वो घर पे रहेगी, खाना बनाएगी, वही करेगी जो उसको करना है, ठीक है। फ़ोन, हाँ फ़ोन उसका वही मेरे को एक टेंशन है फ़ोन का यार, वो हर 5-5 10-10 मिनट में कॉल करेगी कि इधर हो, क्या हो रहा है। पोस्टमैन का काम वही करती है। सो एक काम करता, मैं उसको कोई बहाना मार दूंगा कि मेरी आज 4-5 घंटे की मीटिंग है, ठीक है। हाँ तो उसमें लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो हम लोग फुल इन्जॉय करेंगे। पहले हम लोग मिलते हैं वहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे, काले कट्टे के साथ विथ सेक्सी ड्रेस, जो मैंने दिया था वो ड्रेस अभी भी तुमने संभाल के रखा है ना, मुझे पता था तुम्हें। तो हम लोग काला कट्टा आएंगे, इसके बाद थोड़ी बातें करेंगे, इसके बाद लंच करेंगे, फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, ओके। हाँ हाँ, फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं करते, मिलते हैं, ठीक है। सो हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाई सर, कैसे हो सर, इतनी रात को फ़ोन किया आपने? हाँ किससे बात कर रहे हैं? हाँ किससे बात कर रहे हैं? सो हॉट एंड स्पाइसी वाला सर, हॉट एंड स्पाइसी मसाले तो है मेरे पास, लेकिन वो मसाले मैंने आपको ऑलरेडी पहुंचा चुके थे, आपके यहाँ पे डिलीवर करवा दिया था, कुरियर मिला नहीं आपको? हाँ, जैसा आपने डिमांड किया था ना वैसा मैंने भिजवा दिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, आपने फ़ोन किया थी रात को, कोई गल नहीं है, ठीक है। बट आपके प्रोडक्ट आपको नहीं मिले हैं तो मैं अपने डिलीवरी पर्सन से बात करता हूँ कि उसने दिया है कि उसी के पास है, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके सर, बाय 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 बाय। फोन दो, क्या फोन दो, क्या फोन दो, किससे बात कर रहे थे? क्लाइंट था, उसको मसाले की डिलीवरी चाहिए थी। आप कब से मसाले की डिलीवरी करने लगे? अरे मेरा दोस्त करता है, उसका नंबर नॉट रिचेबल था तो उसने मेरा नंबर डाल के रखा है। हाँ तो दिखाओ डायलेस, दिखाओ। अरे तुझे मुझ पे विश्वास नहीं? अरे डायलेस दिखाओ, आपका कोई कस्टमर जो भी था, दोस्त था, मेरे को दो डायलेस दिखाओ। डायलेस क्या दिख रहा, तू मेरी बात समझ, अब तू मेरा फोन चेक करेगी रात को? हाँ ठीक है, अब दिखाओ फोन, दिखाओ। आयु यहाँ है, क्या समझेगा तू? आयु यहाँ है और आप फोन पे क्या बात कर रहे हो उसके सामने, ये सारी चीजें क्या बात कर रहा हूँ? आप बिजी बोल रहे हो, हॉट बोल रहे हो, सेक्सी बोल रहे हो,
कस्टमर से बोलते हैं दे हॉट एंड स्पाइसी। हाँ बेटा यही बात कर रहा था ना। सारी चीजें ऐसे कैसे कोइंसिडेंट हो सकती है हॉट स्पाइसी और। अरे नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है मेरी माँ, उसमें हॉट एंड स्पाइसी तो प्रोडक्ट सेक्सी दिखना चाहिए, प्रोडक्ट सेक्सी दिखना चाहिए तभी तो। देख अभी तो मॉल में जाती है कहीं भी जाती है मसाले का बॉक्स रखा रहता है तो जो अच्छा लगता है दिखने में पैकेजिंग वगैरह हॉट एंड स्पाइसी का लिखा रहता है। तो फोन दो देखो किससे बात कर रही थी, एक बार डायलिस्ट में देख लो फिर आप बताओ, फिर आपको जो बोलना है मेरे को देखना है खुद को कौन सा क्लाइंट का। इतनी रात को मेरी बात मान, मैं बोल रहा हूँ किसी का नहीं, मेरे क्लाइंट का फोन था और क्लाइंट का फोन था तो अटेंड करना पड़ेगा। मैंने सुना आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, लंच करने जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो लंच करने? दो क्लाइंट बोला अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा बिक जाएगा तो लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे हम लोग मस्त में। फोन नहीं, फोन नहीं, फोन नहीं। मुझे तो क्यों फोन क्यों नहीं दे रहे हो? तुझे मुझ पे विश्वास नहीं? नहीं आप उसको फोन पे किसी को बोल रहे थे आप लंच करने के बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे सब फोन पे। अरे तो जरूरी है क्या कोई और है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, क्लाइंट है, अरे क्या उसको चेक करना। ठीक है, अरे ठीक है ठीक है, चलो किससे बात कर रहे थे? खाना निकालो, खाना खाते हैं फिर सोते। बेड बेड लग गया, दिखाओ डाइलिस्ट, दिखाओ मुझे डायलिस्ट। क्यों देखना कौन है, किससे बात कर रहे थे आप? आप उसको क्लियर बोल रहे थे बेबी हॉट सेक्सी ड्रेस पहन के आना, कौन सा ड्रेस पहन के आना? बाबा सेक्सी ड्रेस उसकी फ्रेंड थी तो उसको बोला वही ड्रेस पहन लेना। परेशान करती है, सादी सीधी है, घर में बच्चा संभालती है, किसको बोल रहे थे? मेरा नाम क्लाइंट को क्यों ले रहे थे? अब डायलिस्ट दिखाओ, जानता है तुम्हारे बात क्या? अब फोन दिखाओ, डायलिस्ट दिखाओ, डायलिस्ट दो, कोई चेक करना है मुझे। मैं फिर मम्मी को फोन करके बोल दूंगी कि आप बेबी हॉट सेक्सी ऐसा लोग किसी से बात कर रहे थे लड़की से। अरे मेरी माँ, अरे बेबी हॉट एंड स्पाइसी प्रोडक्ट का नाम था और जो ड्रेस व्रेस था वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था, मैंने वही ड्रेस बोल दे जो पहन के आना है। बोले मैंने सुना है, बोला तूने कुछ गलत सुना है, तू मेरे पे शक कर रही है, शादी के साथ फेरे लिया हो तेरे साथ? मैं यही थी, मैं सब सुन रही थी। पंडित को 500-500 के नोटे 4-5 दिया हूँ। अब डायलिस्ट देखू मैं, चेक करूँ किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, फोन नहीं दे सकता। चलो मैं मम्मी को फोन करूंगी फिर, अभी रात के टाइम में भले मैं मम्मी को फोन करूंगी। किसकी मम्मी, तेरी या मेरी मम्मी? दोनों की मम्मी को फोन करूंगी। नहीं बेटा ना, आप बैठो, तो आप उसके सामने ऐसे सब फालतू बात कर रहे थे। आयो आयो इधर आओ बेटा, हाँ आयो बेटा। किससे बात कर रहे थे मुझे बताओ पहले, डायलिस्ट दिखा दो मुझे, बस एक बार देखना है कौन है, एक बार देख लूंगी बस, नहीं तो मैं मम्मी को अपने फोन करने जा रही हूँ। डायलिस्ट दिखाओ, किसको हॉट सेक्सी बोल रहे थे इतने रात को, किसको ड्रेस खरीदे? हॉट एंड स्पाइसी मसाला होता है, कभी मार्केट में जा प्रोडक्ट खरीद। मैं मम्मी को फोन कर लूंगी, आप फिर बताओ, मैं अपनी मम्मी को फोन करूंगी। क्या हो क्या रहा है मेरे पास, बताओ नहीं तो मैं अपनी मम्मी को फोन करूंगी। दो डायलिस्ट दिखाओ, कोई नहीं था को बस सच में मैं। डायलिस दिखाओ, नहीं डायलिस दिखाओ, आई मम्मा कुछ नहीं था को, मैं प्रैंक कर रहा था तेरे साथ। ये कैसा प्रैंक है? अरे लोगों की हैवी डिमांड पे आया था कि कोमल के साथ चीटिंग प्रैंक कर रहे हो, तो मैं चीटिंग प्रैंक कर रहा था। ये देख ये मोबाइल बंद पड़ा हुआ है, वो देख कैमरा लगा है वहां पे, देख कोने में। चीटिंग प्रैंक था, देख फोन बंद दिख रहा है, कुछ है हो रहा है, पक्का यही फोन था ना? हाँ यही था, हाँ वो वाला फोन तो आयु के पास है। तो हे फैमिली देखो इसका रिएक्शन कैसा रहा, ज्यादा सीरियस लगने लगी थी, मैंने बोला पक्का पक्का झूठ बोलूंगा। देखो ये फोन बंद दिख रहा है आप लोगों को, पटक पटक के तोड़ डाला आयु ने, इस फोन में दिख रहा है तुमको। सो गाइस कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, 10K लाइक तो बनता है इस वीडियो को, और फुल शेयर करिए, बोलो तुम भी। और कोई फ़ोन नहीं था ना? नहीं अभी भी इसको विश्वास नहीं हो रहा है, पक्का प्रैंक कर रहे थे ना? पक्का तुझसे शादी किया हूँ, पंडित को 500-500 के 5-6 नोटे दे दिया हूँ।
डंडा पक्का खाते आप मार खाने से बच गए यार। सो हे फैमिली, प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा हमें, और नए नए सजेशन हमारे तक पहुँचाइए। आप चाहे तो हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको आईडी लिंक में हम दे देंगे। तुम भी कुछ बोलो, इसको तो बोली नहीं आ रही है। तो ठीक है फैमिली, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।